वो सारे यूथ वर्कर्स दे नाल आ या सीनियर वर्कर्स कह लो सारे दे नाल आ पर स्पेशली यूथ दे नाल आ जिहड़े पार्टी नाल जुड़े हुए हैं पर सोशल कॉजेज वाल ज़्यादा ध्यान देंदे हैं। मैं हमेशा मानती हाँ कि मेरे नाल वो टीम जुड़ रही है जिहड़ी कि लीडरशिप दी क्वालिटीज़ नूं समझदी है, जिहड़े कि समझदे हैं कि लीडरशिप का मतलब है लोगों की सेवा करना। सो उहदे लई बहुत जरूरी सी शरी मेरे कोल आया, मेरे नाल जुड़िया, अज दी डेट च मेरे लई मेरे नाल मेरे बहुत सारे सोशल कॉजेज लई काम कर रहे हैं। सो मैं हमेशा मैनू क्या भी जब तक तेरा कोई दफ्तर ही है नहीं जिथे लोग तेनों मिलन आन जिथे तुसी लोगों दी तकलीफां दूर कर सको, क्योंकि एक बहुत वड्डा गैप लीडरशिप ते लोगों दे विच आ गया, उस गैप नूं फिल इन करन लई बहुत जरूरी है कि जिहड़े यूथ लीडर्स है हुणे तों ट्रेन होण, क्योंकि अगे अगे जाके पार्टी दी कमान किने सामने हुंदी है, यूथ ने संभालनी होंगी, इन्हों तैयार करना वो एंड उस लेवल प्रिपेयर करना कि तुसी शुरू तो ही सच्चे रस्ते ते चलो, लोगों की सेवा करते रहो, लोगों की जुबान चो निकल के आना चाहिए। देखो जदों मैं फर्स्ट टाइम MLA आई मैं लोगों की वॉइस बन के आई, सो जदों भी तुसी कोई पॉलिटिकल पोस्ट लैनी है लोगों के मुँह चो आवाज निकले भी भाई सानू ये बंदा चाहिए। सो मैं चाहनी हूँ बंदा इन्ना काम करे कि जमीन फाड़ के बोले भी भाई सानू ये बंदा चाहिए जरा साडे सेवा करे, तो लोगों को पहचान हो जाए भी साड़ी अज की टीम है जी सारी पंजाब काम कर रही है, सानू कोई लालच नहीं कोई पोस्ट नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, वो अद्धा परमात्मा दे देना होंगे जिन्हों देना होंगे। असी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, पार्टी का जोड़ा मर्जी कैंडीडेट होनू सपोर्ट करते हैं, पर जरा चंगे तो सही रस्ते से चले, असी गलत बंद के नाल नहीं तुरते, साड़ी इन्ना फर्क हैगा। सो साड़ी सारी पंजाब टीम बनी हुई है, बहुत सारे पंजाब की होर टीम चो आए हैं, हूँ तो जाट महासभा की भी बन गई, वो भी मैं 117 हल्क अपनी टीम बना रही हूँ, पर वह मकसद एको ही है कि जोड़ा लीडर तो बंद दूरी आई है जी हो सकता है शायद लीडर पूरी नहीं कर पा रहे, असी वो कमी नू पूरा करिए जिथे तक हो सके, लीडर तक उन्हों की आवाज़ बनीए लोगों की आवाज़। सो ये जो ना एक पांच महीनों का इतने लग्या हुआ है काम सॉल्व कर रहा है, चाहे मेरा नाम लेके करे चाहे अपना नाम चलावे, जिथे लोड़ पैंदी है मेरे तो फोन कराता है, पर असी उस ते पहुँचते हैं भी कोई बंदा कोई तकलीफ चाहे असी उहदी तकलीफ दूर कर सकीए, चाहे वह छोटी होवे चाहे वह बड़ी होवे, बस सादा मकसद इस तो उत्ते सादा कोई मकसद। मैडम जी किसानी संघर्ष चल रहा दिल्ली के किसान डटे हुए हैं, दूजे पास किसानों की फसल मंडी के लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, बारदाने की कमी आ रही है, तुम किस समझो मुख्यमंत्री ने हाल तक जो बारदाना मंडिया के नहीं पहुंचाया की समझ? देखो मैं ये बारे कल परसों भी दो दिन हो गए मेरे को गल पहुँच रही थी, मैं डिस्कस किया है, मैं लगता है हफ्ते कहते यदि कमी पूरी हो जानी है, बट क्योंकि हूँ मैं जाट महासभा जुड़ी हुई हाँ तो मैं ऑलरेडी अपना एक रोस्टर मेरा तैयार हो रहा है जिद मैं मंडिया जाऊँगी, मेरी गल चल रही है, हो सकता है सीनियर्स नाल भी गल चले, जिन्नी मेरी हुण तक गल पहुंची है वो जरूर है कि हफ्ते के अंदर अंदर वो सारा सॉल्व हो जाएगा। हाँ मौसम खराब है तो मैं ऐ लगता भी पहला तो तैयारी होनी चाहिए सी, पर शायद डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के भी चढ़े हुए से हजे आप इस साल आप समझ ही नहीं आ रहा आप करना की अपनी चकनी की नहीं है तो आप उस फसे हुए से, सो एटलीस्ट हूँ क्लैरिटी आ गई है तो उधर तुरना शुरू हो गया है, जदों की आप दो साल पहला तो तैयारी कर लेनी चाहिए सी, क्योंकि ये नोटिस है जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का दो साल पहला आया सीगा। सो मैं ये लगता है भी जो भी कोई सरकार वालों हुक्म आन मैं मानती हूँ चाहे वह प्राइम मिनिस्टर वालों आन चाहे वह CM वालों आन उन्होंने सीरीयसली लेना चाहिए, जो ये हुक्म आए थे कि तुम तैयारी कर लो अपन तैयारी करनी चाहिए है, क्योंकि इन्नी छेती जोड़े उत्तों हुक्म होंगे है वो इन्नी छेती रद्द नहीं होंगे जस्ट बिकॉज आप अखा मीच के बह जाइए तो कही भी असं नहीं मनते, तो यह नहीं होंगे थोड़ा मनने पेंदे हैं हूँ अपन मनने पे, तो जे आप पहले तैयारी की होंगी ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਡਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਲਾਇਕੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਰੁਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕੱਲੇ ਲਾਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ये सारी चीज़ों पर वर्क करने की बहुत ज़्यादा लोड़ है, जिदे बारे अज की डेट बहुत सारे लोगों मैं वर्क भी कर रही हूँ। सानू 5 कारपोरेट नहीं चाहिए, सानू 200 कारपोरेट चाहिए हैं, जे अज आप इस गल की तैयारी नहीं की भी आप अपनी सोयल नू ठीक करना है आप क्वालिटी ऑफ फूड ठीक करना है। मैं हूँ जिन्नी जगह जा रही हूँ पंजाब च कोई गल सिखा रही हूँ भाई थोनू सीधे रस्ते चलना पैना है, जदों मैं CPSC मैं छापे मारे तुसी मनोगे पंजाब च अज की डेट तुसी सुच्चा पानी नहीं पी रहे, आप लोग आ नहीं देखते भी IAS समाप्त होना चाहिए।
70% पानी वह बिक रहा जिसे मार्क नहीं लग्या होया। तुसी आज की डेट च दुध लोग गावां तो लखपति सीगे, गावां क्यों छड़िया? गावां का दुध सब तो चंगा है, प्योर दुध सब तो चंगा है, पर आपां क्यों छड़ना पिया? क्योंकि जिहड़ा किसान जिन्नी लागत लांदा है वह दुध बेचण नूं उन्नी लागत नहीं मिलती, क्योंकि बाजार च नकली दुध मिल रहा है। मैं फड़िया हूँ तुम करोना टाइम च जे इन्ना दुध जिन्ना पहला लगता सीगा जो लॉकडाउन होया, फिर तो सड़क से दुध सुटना गिरया पे होना चाहिए, उन्होंने 5 रुपए किलो मिलता, हूँ दुध कितने गया? यदा मतलब जोड़ा मैं फड़िया सी चाइना का पाउडर जोड़ा 1800 लीटर के ट्रॉले भर भर के फैक्ट्रिया प्रोवाइड कर रहे से, तुम लोग अज की डेट च प्लास्टिक के अंडे खा रहे हो, प्लास्टिक की राइस खा रहे हो। आप चीज़ा तो रोक नहीं सके, अपन ये चीज़ों तो बाहर आना पैना, किसान समझना पैना कि तेरी मिट्टी का भी टेस्ट होगा, तू गावां रख ओनू किमें सोना उपजाऊ करना है, वो तू की लगाना है, वो तो वेद तेरी अडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। ये पढ़ना पो यूथ न बजाए कि कैनेडा दी अमरीका दी लगी पई है ना होड़ वो छड़ के, खेती च बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत पैसा है, पर तुसी ईमानदारी दे नाल चलो, मेहनत करो। पहला मेहनत करता से किसान कदे मार नहीं सी खाती, मैं कोई भी चीज़ लावा मेरा केड़ा पेस्टिसाइड वे पै, मेरा केड़ा दाना है, मैं केड़ी केड़ी सीड वे यूज किया। जदन आप ओपन मार्केट गए सब तो पहला अपना की चेक होना है कि वो क्वालिटी की है, जे आप क्वालिटी के स्टैंडर्ड से ना खड़े होए फिर आप कितने नहीं आ। शहद है सारे पंजाब का, क्यों नहीं बिकता? मेरा शहद बैंगलोर तो क्यों आता? कच्चा शहद कट रहे हैं आप, एग्री आप बुतों के पैसे खर्चते हैं, मंदिर गुरुद्वार से खर्चते हैं, अरे यार पाठ अपने घर बैठ के करो। तुसी यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं खोलते? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, वेटनरी यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं खोलते? डंगर जी का बीमार डंगर होंगे 40-60 हज़ार का, वह डंगर मर रहा उन्हें डॉक्टर लगता, फिर उन्होंने डॉक्टर नहीं लगता, आऊगा डॉक्टर टीका लाऊगा, जानवर बचाऊगा, तो जो जानवर बचाऊगा तो दुध भी बेच लूगा, तो जो क्वालिटी उन्हें दसूगा। जब तक यूथ सारे नाल नहीं लड़ती, यूथ सानू क्यों चाहिए है, अज सानू की लोड़ है? जे असी अपना मार्केट करना समान सानू पूरे इंडिया च ते दूजिया कंट्रीज से आप समान बेचना है ना, तो जे क्वालिटी नहीं हुई किमें बेचांगे? आईटी सेल ना होया किमें बेचांगे? हुण लॉज पढ़िया की कहिंदी है, वो कहिंदी है जो तुसी उपजाऊ करो उन्हों अपलोड करो। किसान नू अपलोड करना आंदा है भी मैं केड़ा फर्टिलाइजर यूज किया, की किया? मेरी गोभी आ मेरी गाजर है, उन्नी देर तक खराब होजू जब तक यूथ कोल्ड स्टोरेज नहीं खोलता, तुसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं सैट करते, थोड़ियां गड्डियां नहीं तैयार एसी, थोड़ियां ट्रक नहीं तैयार जिहड़ी दूजी स्टेट जाके बेचन, थोड़ियां फ्लाइट्स नहीं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स क्यों T3 लैके गए, दिल्ली टर्मिनल क्यों लैके गए, मोहाली तो अमृतसर का टर्मिनल क्यों बंद किया? असी भी तो फुल ला सकते हैं, सारी दुनिया च बेच सकते, असी भी आवाकाडो ला सकते हैं। पंजाब की धरती वर्गी धरती है नहीं, सोने की मिट्टी है, इत्थे 12 के 12 महीने 24 घंटे उपजाऊ आप चीज़ा ला सकते हैं जिहड़ी सारी दुनिया च बेच सकते हैं। बाबा रामदेव किवें पूरी जिहड़ी मोनोपली लैके बैठा है, तुसीं मैनूं दसो उहदे कोल पूरा दसाउण दा हिंदुस्तान दा जमीन दा, जिहड़ा वो इन्नियां गावां रख ला के उन्हां दा देसी घिओ भी बेच रहा है, हर दुकान से उहदा समान बिक रहा है, कित्थों बिक रहा है? मैडम वी सब सरकार की गल की जाए, सरकार भी उन्होंने जो फायदा दी है, जितने की सरकार में फायदा होता है कि पंजाब के किसान नहीं फुलफिल कर सकते, तुसीं बाबा रामदेव की गल की है। बिल्कुल कर सकते हैं, जिन्नी आपां दाल लैंदे हां इन्होंने दस्या भी तुसीं राइस ना लाओ, आपां किन्ने लोग इत्थे राइस खाने हैं, आपां मिट्टी अपनी कल परसों फोटो पाई सी किसी ने बंजर हो रही है जमीन, कितना पानी वरत रहे हैं, आपां किन्ने खाने, आपां तां आटा खाने वाली हो, आप राइस तो क्यों नहीं दाला ते, जो अपन पता सी PDS सिस्टम दे विच दाला 1 करोड़ रुपए का अपना पैसा है जिहड़ा मार्केट ते पंसप लई आपां दाला दा देना है, जिहड़ा आपां देना ही देना है, ते सरकार ने क्यों नहीं पंजाब दे किसान तो चुकिया? आपां बाहरों क्यों खरीद रहे हैं? ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਲਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦੂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਰੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। मैं जदों CPSC मैं काम किया, जदों पोस्ट होंगी है बंदा काम करता है, पर मैं जाट महासभा च क्योंकि हैगी हाँ प्रधान बनी हाँ, जदों ताकत होगी जदों उस लेवल ते बंदा मिलूगा जिहड़ा गल करूगा, गल करन नाल कुछ नहीं हुंदा, जिहड़ा गल सुनूगा तो समझूगा तो कढ़ूगा, पर यह प्रण जरूर लैंदे हां कि किसान नूं इस चों कढ़ांगे, यंग यूथ नूं रोकांगे, यूथ IT सैल खोलेगा, यूथ खोलेगा, वेयरहाउसिस खोलेगा, कोल्ड स्टोर खोलेगा, 200 कंपनियां नाल गल करांगे। मेरी 28 नूं अमेरिका ते इंग्लैंड गल हो रही है, उसते हर NRI नूं रिक्वेस्ट कर रही हूँ दसाउण इत्थे भेजो, इत्थे कंपनियां भेजो, 200 कंपनियां भेजो,
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, 25-25 ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਵੇ, ਉਹ ਵਰਕ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਨ। ਮੈਂ ਕਤਰ ਗਈ ਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਝੂਠ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਉਹ ਕਰੇ। ਸੋ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣ, 200 ਆਉਣ ਨਾ, 5 ਕਿਉਂ ਆਉਣ? ਇਕੱਲਾ ਮਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਰਾਮਦੇਵ ਕਿਉਂ ਆਵੇ? 200 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਜ਼ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ, ਕਹਿਣ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਹ ਆਵਾਕਾਡੋ ਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੀਸ ਦਾ ਵਿਕਦਾ? 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਆਵਾਕਾਡੋ ਵਿਕਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਪਾਗਲ ਹੈ ਵੀ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫੁੱਲ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ? ਹੌਪ ਸ਼ੂਟ ਲਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕੀ ਹੈ? 1,00,000 ਰੁਪਈਏ ਕਿਲੋ, 1,00,000 ਰੁਪਈਏ ਕਿਲੋ। ਹੌਪ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਸੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੂਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਟਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਫੀਮ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਡਰੱਗਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ